क्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि फहरिस्त बड़ी है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, सब नए कवियों को सुना जाए। हमारा आशय, हमारे बीच में जमुना पार कौंडिहारा से चलकर आए हुए आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत श्री संतोष शुक्ल समर्थ जी को मैं माइक पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। इन पंक्तियों से उनको बुला लिया क्योंकि वो पेशे से भी शिक्षक हैं और शिक्षक के भीतर में गुण है, वास्तव में उनके अंदर पूरी तरह से सम्मिलित है, कहीं से कोई बेटिकट नहीं है। जैसे आजकल हमारे भोजन में तमाम शिक्षक तो है लेकिन वो गुण नहीं है, लेकिन संतोष जी जैसे है, जिस पद पे है उस पद के लिहाज से उनके अंदर भी यही सारी चीजें व्याप्त हैं। मैं चार पंक्तियों से आदरणीय गुरुदेव को माइक पर आमंत्रित कर दिया कि माँ बाप गुरु के रास्ते अनूप होते हैं। जहां पे अभी साक्षी ने कहा कि चार पंक्तियां का रेखा चित्र खींचा था, वहीं से मैं बात रखना चाहता हूं कि माँ बाप गुरु के रास्ते अनूप होते हैं, उनके हृदय ममता प्रसन्न के कूप होते हैं। जमाना चाहे जितना आगे चला जाए लेकिन माँ बाप गुरु तो भगवान के स्वरूप होते हैं। जमाना चाहे जितना आगे चला जाए लेकिन माँ बाप गुरु तो भगवान के स्वरूप होते हैं। माइक पर आदरणीय श्री संतोष शुक्ल समर्थ जी आए, उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। वंदे मातरम। पवित्र रामलीला मंच को प्रणाम करता हूं और विगत 10 दिनों से लगातार रामलीला देखकर 11 बजे रात तक इतनी संख्या में जाग रहे थरवई के श्रोताओं को मैं करबद्ध प्रणाम करता हूं। इतना स्नेह दिया आप लोगों ने, विक्टर ने जैसी शुरुआत की और साक्षी ने जितना मंच को चढ़ाया वही बात मैं भी करूंगा, लेकिन इतना स्नेह है तो हमारी बात भी आपको अच्छी लगेगी। साक्षी जैसा सुमधुर कंठ तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आशा करता हूं कि आप मुझे भी उसी तरह से सुनेंगे, उसी स्नेह से सुनेंगे। स्वागत। कि तत्व मिलता रहे सार मिलता रहे, तत्व मिलता रहे सार मिलता रहे, ये दुआओं का उपहार मिलता रहे, जिंदगी में भलाई और क्या चाहिए, आपका बस यही प्यार मिलता। वाह वाह, आपका बस यही प्यार मिलता रहे। अभी आया आयोजक हमारे राम बहादुर चाचा, कहाँ गए? ये बहुत बुजुर्ग हैं, इनको मैं आकर मन ही मन दीदी प्रणाम किया, मैंने इनको अपना गुरु मान लिया। पहले मैं आसाराम बापू को अपना गुरु मानता था, वो जेल चले गए। अभी फिर मैंने राम रहीम को अपना गुरु माना, अभी बापू वो भी जेल चले गए। हाँ हाँ। फिर चिन्मयानंद, अभी तमाम ऐसे कर्म होते, मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन जब मैं सफेद बाल बालों को देखता हूं तो मैं गुरु मान लेता हूं। आज इस मंच से मैं राम बहादुर चाचा को ना वो जेल न जाएंगे। जोरदार तालियां। वाह वाह। तब मैंने लिखा कि गुल मिला था तो गुलकंद लेने लगे, कि गुल मिला था तो गुलकंद लेने लगे, फूल कलियों से मकरंद लेने लगे, वासना जब जगी साधना छोड़कर चिन्मयानंद आनंद लेने लगे। तो इन कलंकी घटाओं से बच के रहो। राम बहादुर चाचा गए कहां? हाँ हाँ। चाचा जी इन कलंकी घटाओं से बच के रहो, अपने युवा साथियों का सहयोग चाहूंगा कि इन कलंकी घटाओं से बच के रहो, भाव की भंगिमाओं से बच के रहो, ये है कलयुग मेरे विश्वामित्रों सुनो, उर्वशी मेनकाओं से बच के रहो। वाह वाह वाह। उर्वशी, ये है कलयुग मेरे विश्वामित्रों सुनो, जी जी, उर्वशी मेनकाओं से बच के रहो। अब कायदे से बुजुर्गों के सम्मान की पंक्तियां। स्वागत। कि मतलब से भरी महफिल में कीमत कौन पूछेगा, कि मतलब से भरी महफिल में कीमत कौन पूछेगा, कि इस युग में बुजुर्गों की नसीहत कौन पूछेगा, गजब बाजार है दुनिया, यहाँ रिश्ते भी बिकते हैं, बुढ़ापे में भला उसकी तबीयत कौन पूछेगा, बुढ़ापे में भला उसकी तबीयत कौन पूछेगा, कि सुबह की रौनकें देखो ये काली शाम मत देखो, कि सुबह की रौनकें देखो ये काली शाम मत देखो, उन्हें देखो जो अच्छे हैं जो है बदनाम मत देखो, गलत उसने किया था इसलिए है कैद खाने में, हर एक संत में यारों तुम आसाराम मत देखो।
बहुत बढ़िया संदेश यारों, हर तुम्हारा राम मत देखो कि चंदन से रोली से अबीर से है थाल भरी, पुष्प राम का है मकरंद राम के लिए। साक्षी ने राम की बात से शुरुआत की थी कि चंदन से रोली से अबीर से है थाल भरी, पुष्प राम का है मकरंद राम के लिए, मिश्री है मेवा है मिठाई और कंदमूल, हो गया है सारा ही प्रबंध राम के लिए। कि श्वास राम की हुई शरीर राम का हुआ है, जीवन का भी है अनुबंध राम के लिए, विधि का विधान है समर्थ गुणगान करे, लेखनी है राम की ये छंद राम के लिए। वाह वाह वाह, विधि का विधान है समर्थ गुणगान करे, लेखनीय राम की ये छंद राम के लिए। और राम ऐसे नहीं होते कि सबके दिलों में रह के वो छविधाम बना है, कि सबके दिलों में रह के वो छविधाम बना है, सुमिरन से कटे पाप ऐसा नाम बना है, जीवन के कठिन दौर से विचलित नहीं हुआ, तब जाके कहीं कोई पुरुष राम बना है। वाह 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 वाह, राम बना है, तब जाके कहीं कोई पुरुष राम बना है। कि सदा बड़ों का पग वंदन ही कविता है, आप लोग यहाँ कविता सुनने आए हैं, हम लोग सुनाने आए हैं, इन साहित्यकारों के सम्मान में कि न रियासत कोई लिखते हैं, न जागीर लिखते हैं, न कोई भाग्य लिखते हैं, न ये तकदीर लिखते हैं, मगर संवेदनाओं पर ही जब आघात होता है ये कलमकार तब अपने जिगर की पीर लिखते हैं। ये कलमकार कि सदा बड़ों का पग वंदन ही कविता है, माथे पर हल्दी चंदन ही कविता है, जिन भावों से संस्कार पोषित होता उन भावों का अभिनंदन ही कविता है, उन भावों का अभिनंदन ही कविता है। लेकिन तमाम कवि साहित्यकार नफरत की बात करते हैं, तब मैं बोलता हूँ स्वागत कि मन के स्पंदन पर भी दादा। हाँ दीदी, स्वागत 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 कि मन के स्पंदन पर भी कविता लिख दो, कि मन के स्पंदन पर भी कविता लिख दो, नैनों के क्रंदन पर भी कविता लिख दो, विश्व की घातक किस्मों पर लिखने वालों तुम शीतल चंदन पर भी कविता लिख दो। कविता लिख दो कि जब दर्द बांटते फिरते हो तो प्यार कहां से पाओगे, बोया पेड़ बबूल का आयाम कहां से होए, कि जब दर्द बांटते फिरते हो तो प्यार कहां से पाओगे, दुश्मन तो सबको मान लिया प्यार कहां से पाओगे, और मुस्कान एक तुम दे न सके नन्ही सी जिनके होठों पर, उनसे इस जग में खुशियों का उपहार कहां से पाओगे, उनसे इस जग में खुशियों का उपहार कहां से पाओगे। कि जन्म जन्म की कस्में खाकर संग बदलते देखा जी 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 हाँ, जिनको गुरु मानते थे चले जाते थे, अब जेल में नहीं गए तो कहीं चले गए थे। एक जोरदार तालियां आदरणीय आ गए कि जन्म जन्म की कस्में खाकर संग बदलते देखा है, चंद पलों में बोली भाषा ढंग बदलते देखा है, नाहक केवल गिरगिट को बदनाम किया इस दुनिया ने, हमने इंसानों को भी अब रंग बदलते देखा, हमने इंसानों को भी अब रंग बदलते देखा है। अरे कभी टोपी कभी टीके की बात करता है, कभी कभी टोपी कभी टीके की बात करता है, वो कहां लभ्य सलीके की बात करता है, एनजीओ खोल के बैठा जो नशा मुक्ति का, वही शराब के ठीके की बात करता है। एनजीओ खोल के बैठा जो नशा मुक्ति का, वही शराब के ठेके की बात, कभी टोपी कभी टीके की बात करता है, वो कहां लभ्य सलीके की बात करता है, एनजीओ खोल के बैठा जो नशा मुक्ति का, वही शराब के ठेके की बात करता है। हमको हमारे साहित्य मित्रों ने, कवि मित्रों ने समर्थ का उपनाम दिया जी, कि मौसम का असर है न हवाओं का असर है। भैया चाय पी लीजिए, नहीं नहीं सही है, कि मौसम का असर है न हवाओं का असर है, मौसम का असर है न हवाओं का असर है, ना ही ये हकीमों की दवाओं का असर है, बनकर समर्थ है आज जो फिरता हूँ शान से, ये सिर्फ मेरी माँ की दुआ, माँ की दुआओं का असर है। वाह 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 वाह, बहुत बड़ा शेर, माँ की दुआओं का असर है, बहुत बड़ा शेर, बहुत जोरदार तालियां, ये मेरी माँ की दुआओं का असर है। मैं नीम की पीपल की छांव छू के चला था, कि मैं नीम की पीपल की छांव छू के चला था, पगडंडियों वाला वो गांव छू के चला था, कैसे नहीं मिलता हमें आशीष आपका, मैं घर से अपनी माँ के पांव छू, वाह वाह, मैं घर से अपनी माँ के पांव छू के चला था। शिक्षकों बच्चों को बताता हूँ कि धरती को राधिका गगन को श्याम मानिए, तन को त्रिलोकी नाथ मन को राम मानिए, घर ही में सारे देवता मिल जाएंगे तुम्हें,
माता पिता को अपने चारों धाम मानिए, चारों धाम मानिए, माता पिता को अपने चारों धाम मानिए। पुनः 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 बिनु सर्वोपरि धरती 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 को राधिका, गगन को श्याम मानिए, श्याम मानिए, तन को त्रिलोकी नाथ, मन को राम मानिए। घर ही में सारे देवता मिल जाएंगे तुम्हें, माता पिता को अपने चारों धाम। वाह वाह, माता पिता को अपने चारों धाम मानिए। जब सही, बहुत बढ़िया शेर आपने कह दिया, माता पिता को अपने चारों धाम मानिए। वास्तव में एक जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, बहुत अच्छा संदेश, बहुत बढ़िया पंक्तियां, संस्कार से पंक्तियां। इससे अधिक सम्मान और क्या हो सकता है। यहाँ अभिभावक और बैठे हैं, बीनू सर की ओर से प्रबंधक हैं, तमाम शिक्षक लोग हैं, मैं इनकी ओर से चार पंक्तियां और देता हूँ। अरे यार, बहुत बहुत आभार बीनू सर, आपकी उस पंक्तियों पे वास्तव में मंत्रमुग्ध हो गए, बहुत सच्चा शेर आपने कह दिया। ये आदरणीय बीनू सर की ओर से जोरदार माला स्वागत। ये चार पंक्तियां शिक्षकों की तरफ से, कि बच्चों को अच्छी राह मिले वह मोड़ हमें बनना होगा, जर्जर होते इन रिश्तों का गठजोड़ हमें बनना होगा, हम दाता हैं, हम ज्ञाता हैं, निश्चय ही है हम देवतुल्य, पर अर्जुन को बनाने से पहले गुरुद्रोण हमें बनना। वाह वाह, अर्जुन बनाने से पहले गुरुद्रोण हमें बनना होगा। वाह, कि थोड़ी सहृदयता सिखलाना, जरा प्यार सिखला देना, थोड़ी सहृदयता सिखलाना, जरा प्यार सिखला देना, जीवन के इस महासमर में जीत हार सिखला देना, दे दो सारी सुख सुविधाएं ऐ मेरे अभिभावक गण, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा संस्कार सिखला देना, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा संस्कार सिखला देना, कि दर्द मिलता है जहां मिलता है, आजकल प्यार कहां मिलता है। अरे, कि दर्द मिलता है जहां मिलता है, आजकल प्यार कहां मिलता है, वतन परस्त रहे और वतन को मिट जाए, ऐसा खुददार कहां मिलता है, कि जिसमें एक भी न हो खोने खबरें, अब अखबार कहां मिलता है, कि जिसमें दशरथ और भरत राम लखन, ऐसा परिवार कहां मिलता है, कि जिसमें दशरथ हो, वाह वाह, ऐसा परिवार कहां मिलता है, वाह 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 वाह, ऐसा परिवार कहां, कि जिसमें दशरथ हो भरत राम लखन, ऐसा परिवार कहां मिलता है, दिल की बातें कहे दिल की समझे, ऐसा दिलदार कहां मिलता, कहां मिलता है, और तुम तो संतोष किए बैठे थे, अरे मौका हर बार कहां मिलता है, वाह 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 वाह, किए बैठे थे मौका हर बार कहां मिलता है, मिलता है। बेटियों के सम्मान में बेटियां, काफी बेटियां सुन रही हैं काफी पाठ को, उनके हौसले में आप, इस समय तो अभियान भी चल रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कि यहाँ सर्दी है या गर्मी ये मौसम भूल जाता हूँ, कि यहाँ सर्दी है या गर्मी ये मौसम भूल जाता हूँ, सुना दे तू अगर बोली तो सरगम भूल जाता हूँ, न जाने कौन सा जादू तेरी सूरत में है बिटिया, तू जब भी पास होती है सभी गम भूल जाता हूँ, जब भी पास होती है सभी गम भूल जाता, मेरा मानना है कि कितना भी सुंदर घर हो, महल हो, हवेली हो, अगर तुम्हें एक बेटी न हो तो घर अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ, कतई नहीं, कि बिना इनके हवेली में भी रौनक आ नहीं सकती, कि बिना इनके हवेली में भी रौनक आ नहीं सकती, किसी सुनी सी अंगनाई में चिड़िया गा नहीं सकती। हाँ हाँ, और कहे कुछ भी कोई चाहे, मेरा दावा ये कहता है कि रहे घर में कोई भूखा तो बिटिया खा नहीं सकती। वाह वाह वाह, रहे घर में कोई खा नहीं सकती। मैं जब बेटियों को पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ बिटिया खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, ट्रेन चलाओ, हवाई जहाज चलाओ, पूरा देश चलाओ, लेकिन चार पंक्तियां मेरे अपने मन में उतार लेना। हाँ हाँ, सबका आशीर्वाद चाहूंगा, स्वागत, कि सपने आंखों में पाल कर रखना, सपने आंखों में पाल कर रखना, वाह बड़ा, सपने 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 आंखों में पाल कर रखना, डर को मन से निकाल कर रखना, वाह, सपने आंखों में पाल कर रखना, डर को मन से निकाल कर रखना, वाह बिटिया तुमसे यही गुजारिश है, कि बिटिया बिटिया तुमसे यही गुजारिश है, घर की इज्जत संभाल कर, वाह वाह बिटिया, वाह, कि बिटिया तुमसे यही गुजारिश है, घर की इज्जत संभाल, घर की इज्जत संभाल कर रखना। बहुत उम्दा साहब, अभी हमको अखिलेश द्विवेदी दादा को सुनना है, एक डेढ़ मिनट का गीत, मैं देखे अपना स्थान लेता हूँ, स्वागत, भूमिका बनाता हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर हामिद अंसारी जी,
उन्होंने भरे मंच से कहा कि इस समय दीदी, उन्होंने कहा कि इस समय भारत का मुसलमान भयभीत है, डरा हुआ है। जब नेता लोग ऐसी बात बांटने वाली बात करते हैं, तब साहित्यकार का धर्म होता है कि वो समाज के लिए कुछ लिखे। मैंने प्रयास किया। उसकी भूमिका में चार पंक्तियां कि उल्टी उल्टी बहती धाराओं को अनुकूल नहीं लिख सकता मैं, बार बार की गुस्ताखी को भूल नहीं लिख सकता मैं, सच को सच लिखने की ताकत कलम हमारी रखती है, इसीलिए चुभते कांटों को फूल नहीं लिख सकता मैं, इसीलिए चुभते कांटों को फूल नहीं लिख सकता मैं, कि नजर में खौफ का मंजर छुपा के रखता है। हाँ, कि नजर में खौफ का मंजर छुपा के रखता है, जहर का एक समंदर छुपा के रखता है, मैं उसके साथ गले मिल नहीं सकता यारों, हाँ, जो अपने हाथ में खंजर छुपा के रखता है, जो अपने हाथ में खंजर छुपा के रखता है, कि ना जाने किन हालातों में ऐसी बातें बोल गए, कविता पाता हूँ, कि ना जाने किन हालातों में ऐसी बातें बोल गए, अमृत की बहती धारा में विष का प्याला घोल गए, एक बार अंसारी साहब खुले मंच पर आओ तो कैसा भारत तुम्हें चाहिए हमको भी बतलाओ तो, एक बार अंसारी साहब खुले मंच पर आओ तो ऐसा भारत तुम्हें चाहिए हमको भी बतलाओ तो, कि तब अच्छा है जब सीमा पर शीश उतारे जाते हो, तब अच्छा है जब सेना पर पत्थर मारे जाते हो, तब अच्छा है हर घर में आतंकी हो जिहादी हो, तब अच्छा है बात बात पर दंगों की आजादी हो, तब अच्छा है फीकी होली दहशत में दिवाली हो, तब अच्छा है हर जुबान पर भारत माँ को गाली हो, तब अच्छा है जनगण मन अधिनायक पर प्रतिबंध रहे, तब अच्छा है हृदय वेदने को खंजर स्वच्छंद रहे, तब अच्छा है कई हिमालय हो मुट्ठी में गंगा हो, तब अच्छा है हर हाथों में जलता हुआ तिरंगा हो, कि तब अच्छा है जब सीमा पर शीश उतारे जाते हो, तब अच्छा है जब सेना पर पत्थर मारे जाते हो, तब अच्छा है हर घर में आतंकी हो जिहादी हो, तब अच्छा है बात बात पर दंगों की आजादी हो, तब अच्छा है फीकी होली दहशत में दिवाली हो, तब अच्छा है हर जुबान पर भारत माँ को गाली हो, तब अच्छा है जनगण मन अधिनायक पर प्रतिबंध रहे, तब अच्छा है हृदय बेंधने को खंजर स्वच्छंद रहे, तब अच्छा है कई हिमालय हो मुट्ठी में गंगा हो, तब अच्छा है हर हाथों में जलता हुआ तिरंगा हो। अरे जाते जाते कह जाते समरसता वाला देश है यह जी, कि जाते जाते कह जाते समरसता वाला देश है यह, जाते जाते कह जाते सबका रखवाला देश है यह, जाते जाते कह जाते रहमान राम का देश है यह, जाते जाते कह जाते अब्दुल कलाम का देश है यह। वाह वाह, जय 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 हो। कि जाते जाते कह जाते रहमान राम का देश है यह, जाते जाते कह जाते अब्दुल कलाम का देश है यह, कह जाते कि भजन कीर्तन और अजान का देश है यह, कह जाते कि भजन कीर्तन और अजान का देश है यह, कह जाते जाकिर हुसैन बिस्मिल्लाह खान का देश है, कि कह जाते कि भजन कीर्तन और अजान का देश है, कह जाते जाकिर हुसैन बिस्मिल्लाह खान का देश है, कह जाते होली दिवाली और ईद का देश है, कह जाते अश्फाक और अब्दुल हमीद का देश है। अरे तुम अपने काले मन की पीड़ा को रोकर चले गए, कि तुम अपने काले मन की पीड़ा को रोकर चले गए, तुम अपने काले मन की पीड़ा को रोकर चले गए, भावी पीढ़ी की राहों में कांटे बोकर चले गए, भावी पीढ़ी की राहों में कांटे बोकर चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद, वंदे मातरम।